हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द नेटवर्क थ्योरम्स. सो नेटवर्क थ्योरम्स में हमारे पास वेरियस थ्योरम्स है, लाइक थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. सो व्हाट आर द थ्योरम्स बेसिकली? तो मैंने आपसे पहले बात की कि व्हाट इज अ नेटवर्क. नेटवर्क इज अ सर्किट और यू कैन से क्लोज्ड लूप कंटेनिंग द वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो कंटेन करे दैट इज़ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डीसी सर्किट्स, इट इज़ मोर अबाउट रेजिस्टेंस, बिकॉज इन दोनों चीज़ों का जो है इम्पैक्ट डीसी सर्किट्स में इतना नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू द फ्रिक्वेंसी इन एसी इज़ 0 हर्ट्स, बिकॉज देर इज़ नो अल्टरनेशन इन द डीसी, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट. तो हम अभी नेक्स्ट जो है थ्योरम्स पे जाएंगे, पर उससे पहले वी शुड नो सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने पीछे के कुछ मॉड्यूल्स में भी डिस्कस किए आपके साथ. सो व्हाट वर दोज कॉन्सेप्ट्स? दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ओपन सर्किट? ओपन सर्किट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ओपन सर्किट? ओपन सर्किट मीन्स सपोज वी आर हैविंग अ सर्किट कंटेनिंग अ वोल्टेज सोर्स. उसमें क्या था? देर वॉज अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू इट और लोड कनेक्टेड टू इट. ये कनेक्टेड था, ठीक है, इट वॉज कनेक्टेड. देन सडनली वट वी डिड, हमने इस लोड को एकदम से हटा दिया. तो जब ये कनेक्टेड था, देन देर वॉज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. बिकॉज करंट के लिए पहली कंडीशन क्या है? देर शुड बी अ क्लोज्ड लूप. बट एज सून एज वी रिमूव दिस, अगर हमने इसको रिमूव कर दिया तो क्या ये करंट फ्लो करेगा? इट विल बी जीरो, इट विल नॉट फ्लो. बिकॉज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज अ क्वेश्चन. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट. सो इन ओपन सर्किट वी कैन से ये जो वोल्टेज होगी, ये सारी की सारी वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, बिकॉज देर इज नो ड्रॉप इन द पाथ. करंट का, जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो पाथ में कोई ड्रॉप होगा कैसे? तो यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगी वो क्या होगी? वही सोर्स वोल्टेज होगी. मीन्स यहाँ की जो वोल्टेज होगी, दैट होल वोल्टेज विल अपेयर एट दिस ओपन सर्किट. सो इन द ओपन सर्किट कंडीशन हमें ये याद रखना है कि वोल्टेज होती है, वोल्टेज हमेशा होती है ओपन सर्किट में, और करंट जो है वो ओपन सर्किट करंट नहीं होता, कभी भी नहीं होता. इफ इट इज रिटन आईओसी तो इट इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए. लाइकवाइज इफ वी टॉक अबाउट अ शॉर्ट सर्किट, तो हमने क्या किया? लेट अस सपोज वी वर हैविंग दिस सर्किट, ये हमारे पास सर्किट था, दिस वॉज आर. तो इनिशियली सम करंट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, ठीक है, दिस इज यस. तो सडनली हमने क्या किया? वी रिमूव्ड दिस रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस्ड इट बाय अ वायर, ठीक है, रिप्लेस्ड इट बाय अ थिक वायर. तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? ए बी, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट हो गया, द सर्किट इज शॉर्टेड, तो इट इज शॉर्ट सर्किटेड. अब क्या होगा? देर विल बी अ मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट, इट विल बी अ इनफाइनाइट करंट, there will be a maximum flow of current. तो current जो होगा that is maximum होगा, that is called short circuit current. means current जो होगा वो maximum होगा. इसका मतलब short circuit में क्या है आपने याद रखना है? there is always a current, ठीक है. and what will be the voltage? voltage क्या होगी यहाँ पे? point A और point B के बीच में potential difference रहा कोई? there is no potential difference. पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिकेम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी. सो देर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप और देर विल बी नो वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो आपने रखना है याद, शॉर्ट सर्किट में हमेशा वोल्टेज क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट, ये आपको हमेशा याद रखना है. देन कुछ और हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक जैसे हमने कि पीछे भी बात किया,
ओम्स लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया, उसमें यू हैव सीन इट वेरी क्लियरली कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वी नीड ओम्स लॉ, वी शुड नो हाउ द वोल्टेज इज डिवाइडेड, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल यू कैन से, और हाउ करंट इज डिवाइडेड, दैट इज करंट डिवाइडर रूल यू कैन से, देन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ केसीएल, केवीएल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए एज सुन एज वी गो फॉर अ थ्योरम। सो थ्योरम क्या है आपका? बेसिकली थ्योरम इज द अकोमुलेशन ऑफ सम ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, और उससे कोई ऐसी चीज बनाई गई है विच इज मैथमेटिकली एंड फिजिकली प्रूवन, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई दैट थिंग इन टू द सर्किट और इन टू अवर नेटवर्क, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क थ्योरम। इसी तरह से हमारे पास वेरियस थ्योरम आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू, जो पहली हम थ्योरम करेंगे दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। सो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? सुपरपोजिशन थ्योरम, मैं आपको सिंपली बता दूं सुपरपोजिशन थ्योरम हमें क्या कहती है, मैं आपको सर्किट से सॉल्व करके बता देता हूं, देन यू कैन इजिली राइट द डेफिनेशन, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे किसी भी नेटवर्क में, लेट अस सपोज ये हमारा एक नेटवर्क है, इसको हम लेते हैं, ये हमारा एक नेटवर्क है, किसी भी नेटवर्क में दो या टू और मोर देन टू सोर्सेज हैं, देन ठीक है, वी कैन सॉल्व दैट सर्किट बाय कंसिडरिंग वन सोर्स एट अ टाइम, ठीक है, बाय कंसिडरिंग वन सोर्स एट अ टाइम, मतलब कि दोनों को इकट्ठा कंसिडर नहीं करेंगे हम, एक सोर्स को एक बार में कंसिडर करके हम उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन क्या है इसमें कि सर्किट होना चाहिए लीनियर, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए, लीनियर सर्किट होना चाहिए, देन वी कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। दिस इज द कंडीशन फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट द आइडिया कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं वी आर हैविंग टू वोल्टेज सोर्सेस, वी आर हैविंग टू वोल्टेज सोर्सेस, वन इज 50 वोल्ट्स वन एंड अनदर इज 20 वोल्ट्स। तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर वन एट अ टाइम। तो व्हेन वी आर कंसिडरिंग वन एट अ टाइम, तो हमें क्या करना है, कैसे करेंगे कंसिडर, लेट अस टेक 50 वोल्ट जो हमारा सोर्स है उसको हम कंसीडर करते हैं पहले। लेट अस सपोज वी आर कंसीडरिंग अ 50 वोल्ट सोर्स इनिशियली, तो क्या होगा, दूसरे सोर्स को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो वो ऐसे रिमूव नहीं होगा, कैसे रिमूव होगा, अगर वोल्टेज सोर्स है देन इट विल बी, इफ इट इज अ वोल्टेज सोर्स देन इट विल बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एंड रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, एंड यहां पे आपने निकालना है आई। यहां क्वेश्चन क्या है, यहां आपने आपने निकालना है आई। तो आई निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सा कंसिडर कर लिया भाई, हमने कर लिया 50 वोल्ट का कंसिडर। यहां पे है 10 ओम, यहां पे है 30 ओम, यहां पे है 20 ओम, ये कंडीशन आ गई हमारी। दिस इज फर्स्ट सर्किट व्हेन वी आर कंसिडरिंग द 50 वोल्ट्स। तो यहां से क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट दिस करंट, लेट अस सपोज इट इज आई वन, एंड वी कैन कैलकुलेट, वी कैन से दैट इट इज आई डैश, और यू कैन से आई वन डैश और आई वन डबल डैश, इसको सिंपली हमने ऐसे मान लिया। अभी हम एक चीज को कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस सोर्स एंड दिस सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहां पे जो आई वन डैश आएगा, ठीक है, यहां पे जो आई वन डैश डैश आएगा आपके पास, इसी तरह से इफ यू कंसिडर द सेकेंड, अब एक को कंसिडर कर लिया, इसकी इक्वेशंस हम अभी बनाते हैं, बट लेट अस कंसिडर 20 वोल्ट सोर्स नाउ। अगर हम 20 वोल्ट सोर्स को कंसिडर करें तो कैसा बनेगा सर्किट, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड 50 वोल्ट्स, दिस इज 10 ओम, दिस इज 30 ओम, दिस इज 20 ओम,
दिस इज 20 वोल्ट्स, मतलब हमने 20 वोल्ट्स को क्या कर लिया जी, कंसिडर कर लिया। ऊपर वाले में किसको कंसिडर किया, 50 वोल्ट्स को, यहां किसको कंसिडर किया, 20 वोल्ट्स को, दूसरे को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। नाउ वी कैन कैलकुलेट द करंट हियर। लेट अस सपोज दिस करंट इज आई टू एंड वी से दैट दिस इज आई टू डैश एंड दिस इज आई टू डबल डैश। तो यहां अगर हम आई टू डैश निकाल लें और यहां पे आई वन डैश निकाल लें, देन वी कैन सुपर इम्पोज बोथ ऑफ दीज एंड वी विल फाइनली गेट आई इज इक्वल टू आई वन डैश प्लस, ठीक है, देखो आई वन डैश भी आई की डायरेक्शन में है और आई टू डैश भी आई की डायरेक्शन में है, तो हमें फाइनल करंट मिल जाएगा। ये कहती है ये थ्योरम, ठीक है, ये कहती है ये थ्योरम। अगेन ध्यान से सुनो क्या कहती है ये थ्योरम। कंसीडर वन सोर्स एट अ टाइम। अगर आपके सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्स हैं तो एक टाइम पर एक ही सोर्स को कंसीडर करो, एक ही सोर्स को कंसीडर करो। तो मैंने कर लिया, एक ही सोर्स को कंसीडर कर लिया। जब एक ही सोर्स को मैंने कंसीडर किया तो मेरे पास 50 वोल्ट्स को मैंने कंसीडर किया फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरे को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स हो तो क्या करना है, दूसरे को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। अगर करंट सोर्स हो तो क्या करना है, ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये मेरा कंसीडर हो गया। यहां से आई कैन कैलकुलेट आई वन डैश बिकॉज आई नीड फाइनली आई, जो कि निकलेगा आई वन डैश प्लस आई टू डैश से, तो आई वन डैश आ गया। ऐसे ही इसी ब्रांच में, क्योंकि इस ब्रांच पे ही फोकस है मेरा, इसी ब्रांच में दूसरे को कंसिडर किया और दूसरे का करंट निकाल लिया आई टू डैश। ठीक है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व, इसको कर ही लेते हैं हम सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहीं से ले लेते हैं हम इसको, ये वाला सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने ये कंसिडर किया ना, तो लेट अस टेक दिस, दिस इज द फर्स्ट सर्किट विच वी हैव कंसिडर, मीन्स 50 वोल्ट्स को हमने कंसिडर कर लिया। 50 वोल्ट्स को कंसिडर करके अब क्या आएगा, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आई वन डैश निकालना है आपने डायरेक्टली, तो कैसे निकालेंगे आप आई वन डैश, पहले आई वन डैश के लिए आपको आई वन पता होना चाहिए भाई। आई वन कैसे निकालेंगे आप, आई वन आपको तब पता होगा जब आपको ये पता होगा कि 50 वोल्ट्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, 50 वोल्ट्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये चाहिए मुझे, ये आर इक्वलेंट वन बोल लो आप इसको। ठीक है, तो R इक्वलेंट 1 कैसे आएगा, वही तरीका आपको यहां करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसिडर दिस एंड दिस, ये दोनों ये आपको सॉल्व करना है, दूसरी तरफ से सॉल्व करना शुरू करो। ये दोनों किसमें है, 20 पैरेलल 30 में। ठीक है, देन फाइनली जो आएगा सर्किट, यू कैन सॉल्व दिस 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, सो यू विल गेट what you will get here 600 upon 50, so I think you will get 12 ohm, clear, 12 ohm आपको यहां पे मिल गया। तो ये सर्किट हमें इस तरह का बनाना है, इस तरह का। फाइनली R equivalent निकालना है हमने, तो पहले हमने इन दोनों को पैरेलल कर लिया भाई, इन दोनों को क्या कर लिया, पैरेलल कर लिया। तो इन दोनों को पैरेलल करके अब यहां क्या आ गया, 12 ओम आ गया। तो ये अब सर्किट कैसा दिखेगा, दिस काइंड ऑफ सर्किट, 12 और 10 ओम। ठीक है, 10 ओम तो था ही, ये बन गया 12 ओम और इसको आपने कर दिया कनेक्ट, दैट इज 50 वोल्ट्स। तो अब ये सर्किट ऐसा बन गया। नाउ सॉल्व दिस, इसको ऐसा बनाना है, तो R इक्वलेंट क्या आ गया यहां पे, देखो 50 वोल्ट्स प्लस माइनस, then finally it became how much, 12 plus 10, that is in series, so ye ban gaya 22 ohms, so finally it became this, clear। so finally ye current kitna aayega bhai, this current will be 50 upon
22 एम्पियर्स, 50/22 एम्पियर्स आएगा। अब ये करंट आपके पास आ चुका है, दिस करंट इज बेसिकली I1। अगर आप यहां से देखें ये करंट क्या है, I1 करंट है, ठीक है। अगर ये करंट I1 करंट है तो यहां पे देखो, इस सर्किट में हमने एक चीज निकाल ली, दैट इज दिस करंट इज कितना, 50/22, ठीक है। कोई भी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, देन आपको निकालना है I1 डैश। तो I1 डैश कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। पीछे से अगर आपके पास टोटल करंट आ रहा है I1, इट विल बी अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है इसकी, करंट डिवाइडर रूल लगेगा अब यहां पे, दैट इज 20/टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 20+30, दिस इज करंट डिवाइडर रूल। तो अब देखो यहां पे क्या आ गया, I1 की वैल्यू क्या थी, 50/22 × 20/50, सो 50 से 50 गया, इट बिकेम 10/11, I1 डैश आ गया आपके पास। अब देखो I1 डैश आया आपके पास, सुपरपोजिशन से एक चीज आपने सॉल्व कर ली 50 वोल्ट वाले को कंसिडर करके, ये सारा 50 वोल्ट को कंसिडर किया आपने, इसको कर दिया था शॉर्ट, यही किया ना यहां पे देखो, इसको कर दिया था शॉर्ट। इसी तरह से अब 20 वोल्ट वाले को भी कंसिडर करना है, ठीक है। किस तरह से कंसिडर करना है, ये देखो जैसे हमने यहां पे कंसिडर करके दिखाया था, ये वाला, ये इस सर्किट में, तो इसको लो, अब इसको लेंगे, इस वाले सर्किट को लेंगे यहां पे, एंड दिस वी टुक हेयर, ठीक है। ये सर्किट हमने यहां पे ले लिया, अब इसको सॉल्व करो आप, यहां पे क्या निकाल लेंगे आप, यहां पे निकालेंगे आप I2 डैश, यहां पे अब आपको निकालना है I2 डैश। तो अब आपने 20 वोल्ट्स को कंसिडर कर लिया, तो 20 वोल्ट्स को कंसिडर कर लिया, दूसरे को शॉर्ट कर दिया है, ऊपर वाले सर्किट को ध्यान में रखो, ठीक है। अब इसको इस तरफ से सॉल्व करना है, अब क्या आएगा, सबसे पहले 10 इज पैरेलल टू 30, फिर ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ 10 पैरेलल 30, यहाँ बन जाएगा आपका 10 पैरेलल 30, यहाँ बन जाएगा, देन इस तरफ बनेगा 20, और ये फाइनली जो होगा इट विल बी इन सीरीज विद 20 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सर्किट बनेगा, देन यू विल कैलकुलेट I2 फ्रॉम हेयर, और उससे आप क्या निकालेंगे, I2 डैश निकालेंगे, देन फाइनली क्या होगा, I1 डैश भी आपके पास होगा, I2 डैश भी आपके पास होगा, और आपके पास आ जाएगा टोटल क्या करंट आ जाएगा आपके पास, I करंट आ जाएगा। तो इस सर्किट को आपने देखा बेटा, देखो यहां से आपने I को जब निकाला, एक पहले इसको लिया, फिर इसको लिया, इन दोनों से इधर क्या इंपैक्ट पड़ा, उन दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। व्हाट इज I1 डैश, I1 डैश था इसका इंपैक्ट इस ब्रांच में, I2 डैश था इसका इंपैक्ट इस ब्रांच में, दोनों को ऐड किया, इस तरह से अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, देन यू विल फाइनली गेट द रिजल्ट। इसको आप सॉल्व करो, देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो, इज इट क्लियर, थैंक यू।